हेलो स्टूडेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक है आज की वीडियो का साइलेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990। मतलब 1950-1920 के दौरान जो स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का था उसके साइलेंट फीचर क्या क्या थे, यानी कि उसकी कौन कौन सी मुख्य या प्रमुख विशेषताएँ हैं, प्रिंसिपल फीचर्स कौन कौन से हैं स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रेटजी तैयार किया गया 1950 से लेकर 1990 तक, उसके बीच में जो भी इसकी फीचर्स हैं या फिर इसके जो भी महत्व थे, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले पब्लिक इंटरप्राइजेस प्ले अ सेंट्रल रोल इन प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1950 से लेकर 1990 के बीच में पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया ताकि भारत जो है सेल्फ सफिशियंस हो सके, किसके लिए, लार्ज स्केल में और साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। ऐसे में जो उसकी पब्लिक सेक्टर पब्लिक इंटरप्राइजेस की स्थापना की गई और जो कि बाद में जाके 1990 तक ये जो है भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेंटर बन गया। नेक्स्ट, प्राइवेट इंटरप्राइजेस वर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल। क्योंकि पब्लिक इंटरप्राइजेस जो है सेंटर रोल प्ले कर रहा था, ऐसे में जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस थे, ये प्राइवेट सेक्टर था, उनका रोल सेकेंडरी हो गया था। क्यों? क्योंकि लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया गया था और उनके लिए कुछ ही सेक्टर जो छोड़े गए थे, किसी भी को प्रोडक्शन बढ़ाना है या न्यू इंडस्ट्री या फर्म तैयार करना है, लाइसेंस देने की आवश्यकता पड़ गई थी। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बाज टू प्रोसेस टू टेंडम विद द की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ, इससे जो पॉलिसी तैयार हुआ था इम्पोर्ट का, उससे सब्स्टिट्यूट तैयार होने शुरू किया है, यानी कि इम्पोर्ट में कमी आती चले गई। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सबसे मेन जो हमारा काम हुआ वो था डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन से जो कंपटीशन मिल रही थी, उस फॉरेन कंपटीशन से बचाया गया, क्योंकि फॉर इम्पोर्ट पर बहुत ही अधिक मात्रा में जो है टैक्स बढ़ा दिया गया था और साथ साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को लोकल बाजार में बेचने को प्रोत्साहित किया जा रहा था। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू बी डेवलप विद अ व्यू ऑफ जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो विकास जो हुआ था, उसका जो डेवलपमेंट हुआ था, वो जो है किसी भी हमारे इकोनॉमी का बेस था। क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे स्टील हो गया, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गया, ये अदर भी दूसरे भी जो इंडस्ट्रीज है, उसके द्वारा देश की इकोनॉमी का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत एंड स्ट्रांग हुआ है। SSI was developed to promote the objective of employment and equity. Small scale industry को जब development हुआ, उसका main जो था promote करना किसका, employment का, और equity को जो है promote करना था, लोगों की रोजगार मिले और साथ ही उनका समानता यानी कि समता आए। तो ये होगी स्ट्रेटजी के फीचर। अब हम बात करेंगे जो स्ट्रेटजी अपनाया गया, इस स्ट्रेटजी को से जो है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या फ़ायदा हुआ, गुड इफेक्ट्स क्या रहा। सबसे मेन चीज़ तो है देयर वाज अ मार्क्ड राइज इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। औद्योगिक उत्पादन में बहुत तेज मात्रा में वृद्धि हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डाइवर्सिफाइड, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है डाइवर्सिफाइड किया गया। इसका मतलब ये हुआ देयर वाज अ मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। द देन सनराइज इंडस्ट्री जिन फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स इन पर्टिकुलर मार्क इट्स इमर्जेंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है अलग अलग सेक्टर का बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिफाइड जो है या फिर क्लासीफाइड जो है डेवलपमेंट हुआ। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वार सक्सेसफुली लॉन्च। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए जो भी स्ट्रेटजी तैयार किया गया था, उसमें ये जो सफलतापूर्वक उसको लॉन्च किया जा सके, खासकर स्टील एंड आयरन। भारत में स्टील और आयरन का बहुत अधिक मात्रा में जो है प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिकॉर्डेड अ सब्सटेंशियल
स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो है बेहतर तरीके से प्रोटेक्शन मिलने के कारण अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से इसके ये जो है फैलता हुआ चला गया। नेक्स्ट, क्योंकि हर किसी चीज़ का अगर गुड इफेक्ट्स होता है तो बैड इफेक्ट जरूर पड़ता है, तो स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बैड इफेक्ट भी भारत में रहे, जिसमें सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये रहा कि पब्लिक सेक्टर मोनोपोलिस स्टार्टेड कॉजिंग डेथ सोशल वेट, क्योंकि भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन में पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली हो गया था। ऐसे में पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली होने का मतलब ये था कि जो डेड सोशल वेट, भारत का जो सामाजिक वेट था वो मर गया, डेथ हो गया, और ऐसे में इनसफिशियंसी, करप्शन, लीकेज एंड प्रिफरेंस इमर्ज्ड, ये सब उत्पादन हुआ, और सबसे ज़्यादा ये बल मिला करप्शन को। प्रोटेक्शन शेडेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बट रेंडर्ड द इनसफिशियंट टू कोप विद इंटरनेशनल कंपटीशन। भारत की जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन तो मिला, लेकिन इससे जो है इफ इनसफिशियंट कोप विद इंटरनेशनल, जो भारत की क्षमता जो है इंटरनेशनल कंपटीशन को प्राप्त करने की या फिर उससे झेलने की नहीं रह गई थी। और लास्ट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग, क्योंकि स्ट्रेटजी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है इंडिया को सेल्फ सफिशियंट बनाने के लिए जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर बहुत अधिक मात्रा में जो है टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिससे फॉरेन एक्सचेंज में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमी आती चली गई, जो कि देश के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान साबित हुआ बाद में।